हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, वो है कि आपको ये बताया जा सके कि आयोग ने जो अब पेपर बनाने का पैटर्न चेंज कर दिया है, तो उसमें कैसे आपको 100 प्लस मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया होगा, तो ये मालूम चल गया होगा आपको कि पिछले रिपीटेड क्वेश्चंस काफी कम आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत डीप आए हुए हैं, और उन्हीं डीप क्वेश्चंस की वजह से ही सिलेक्शन होता है। सरफेस वाइज क्वेश्चन तो सबके सही हो जाते हैं, तो इसमें आपको एक ये जानकारी मिलेगी कि अगर आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कैसे आप 100 प्लस मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। और बहुत लोग जो है पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, जो कि अब गलत है। ठीक है, इसमें हमारे सर के द्वारा बनाए गए वीडियो से आप एक छोटा सा एक अनुभव ले लीजिएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको पढ़ाना है। पढ़ाने का भी तरीका बड़ा अलग होता है। जैसे कि बायोलॉजी जो है वो डायग्राम बेस है, डायग्राम से पढ़ाइए, चार्ट से समझाइए, फिगर को देख करके ही समझाना सही रहता है। लैंग्वेज इसमें ज़्यादा यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम जो होता है वो आपके मन में बस जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कौन कौन से टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है और कितना डिटेल से पढ़ना है, ये भी आपको इसमें मालूम होगा। 2021 और टीजीटी 2021 के जो पेपर आया हुआ है, इसमें जूलॉजी पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी क्लिपिंग बनाई गई हुई है। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर बाद में सर के द्वारा पढ़ाए गए हुए जो टॉपिक है उसकी क्लिपिंग है। तो आप ये देख लीजिए कि कितना पढ़ाया हुआ कैसा क्या आया है, और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पढ़ाया हुआ ही आया हुआ है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सर के जो एक साल की मेहनत है वो आपको थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगी कि हाँ, एक साल में कितनी मेहनत करके कैसे आपको पढ़ाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लोग इसको शेयर करेंगे और इस वीडियो से एक एक चीज का अनुभव लेंगे और अपने लाइफ में उसको उतारेंगे। थैंक यू। एंटीरोकाइनेज ने क्रिया की, ट्रिप्सिनोजन पर एंटीरोकाइनेज ने क्रिया की, उत्पाद क्या बना? ट्रिप्सिन। और फिर इस ट्रिप्सिन ने जो अभिक्रिया में उत्पाद बना, इसी ने जाकर के अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया और बाकी ट्रिप्सिनोजन से भी क्या बन गया? ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन किसकी तरह काम कर रहा है? ऑटोकैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, और धीरे-धीरे हमारा सारा ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन बन गया, सारा ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन सब सक्रिय हो गया, आउट हो गया। क्या बाहर निकल आया? यूरिया। और यूरिया को ले गए कहां? यूरिन। यूरिन यानी मूत्र। यूरिया को कहां ले जाना? यूरिन में। ये यूरिया उधर निकल जाएगा और आर्जिनिन फिर किसे बदल जाएगा? आर्जिथीन में। फिर से बदल जाएगा आर्जिथीन में। इस तरह से साइकिल चलती रहती है, इसको आर्जिथीन साइकिल या इसको वैज्ञानिक के नाम के आधार पर क्रेब हैंसलीट साइकिल, क्या बोलते हैं? क्रेब हैंसलीट, दोनों नाम इसके चलते हैं, आर्जिथीन साइकिल या इसको क्रेब हैंसलीट साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, आपके सामने बनी है, नोट्स में भी बनी है। एनर्जी और एलर्जी में और हाइपर सेंसिटिविटी में महत्वपूर्ण काम करती है, और जब भी कोई एलर्जी कंडीशन होती है तो इसनोफिल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मेनली एलर्जिक रिस्पांस में है। एलर्जी समझते हैं ना, आपको किसी भी चीज से कोई एलर्जी हो जाती है ना, तो उस समय ये बढ़ जाती है। आपके जो गले में खराश बनती है, बलगम बनती है, क्या है? एलर्जी ही था, वो एलर्जिक कंडीशन है। इसलिए जब आपके गले में खराश बनती है ना, क्योंकि जो आपके शरीर में ज्ञात होगा, आपको हमने बताया था, ऐसे चिमटा जैसा कुछ बनता है, रिवाही क्या कार्य ऐसे कुछ बनती थी, ये क्या बनती है? एंटीबॉडी, प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन ही है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, और इनको क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी, शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईजी। इस आईजी को बनाने का काम किसका है? लिम्फोसाइट का है। तो हमारी जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम है मेनली वो लिम्फोसाइट का है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट सेल है हमारी बॉडी की। कौन? फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, सिक्रेटिन इधर से क्या लाया? बाइल जूस। इधर से क्या लाया? पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन सिक्रेटिन के मन में क्या है? सिक्रेटिन के मन में है कि मीडियम को चेंज किया जाए, और मीडियम को चेंज किया जाए इसलिए सिक्रेटिन क्या ला रहा है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए सीसी के और पीजेड, ये भी इधर से बाइल जूस लाएगा, इधर से पैनक्रियाटिक जूस लाएगा, इसीलिए इसके दो नाम हैं। देखिए इसका नाम सीसी के भी, इसको पीजेड भी कहते हैं। तो सीसी के और पीजेड कोलिसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन एक ही हार्मोन के नाम है, तो एक हार्मोन के दो नाम कैसे हो गए? उसके काम के हिसाब से। ये जब हार्मोन का जिस तरह काम होगा वैसा उसको हम नाम दे देंगे। जैसे आप समझिए हवा चलती है ना, गर्मियों में या इस मौसम में जैसे हवा चलती है, तो जब हवा चलती है तो हवा ही, लेकिन कहीं जब पूरब से आ गई तो पुरोहिया है ना, तो उसे पुरोहिया कह दिया, और जब पश्चिम से चलने लगी
तो अपने यहाँ तो पछुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पछुआ, है ना, पछुआ पवन, पछुआ तो पुरवैया और पछुआ है तो हवा ही, पूरब से आ गई तो पुरवैया कह दिया, पश्चिम से आ गई तो पछुआ कह दिया, ऐसे ही समझ लो। है तो यही हार्मोन, लेकिन यही हार्मोन जब इधर जाए किधर, गालबेडर के पास बाइल जूस लाने के लिए, तब इसे क्या कहेंगे? सीसी के। और जब यही हार्मोन इधर पैनक्रियाज के पास जाए, तब इसे क्या कहेंगे? पीजे। तो एक ही हार्मोन है, बस पूरब को चला तो पुरवैया, पश्चिम को चला तो पछुआ, तो पछुआ हो गया। तो वही चीज है, वही हार्मोन जब इधर से गालबेडर से क्या लाएगा? बाइल जूस। तब इस समय इसको हम नाम दे सकते हैं सीसी के। और जब ये इधर से क्या लाएगा? पैनक्रियाटिक जूस। तब इसको हम नाम दे सकते हैं पैनक्रियोजाइमिन। यार यही काम तो सिक्रेटिन भी कर रहा था, सिक्रेटिन भी इधर से बाइल जूस ला रहा था, पैनक्रियाटिक जूस ला रहा था, लेकिन सिक्रेटिन के मन में क्या था? मीडियम को चेंज करना। और सीसी के और पीजेड के मन में क्या है? इस हार्मोन का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? इसका एम है डाइजेशन को प्रमोट करना। इसका एम क्या है? डाइजेशन को प्रमोट करना, यानी बढ़ावा देना। जो पेरिफेरल ब्लड है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, हम लोग समझेंगे। ये लार्वा घूमता है हमारे शरीर में, ये रात के समय जो है हमारी ऊपर की त्वचा में आ जाता है, जो हमारा पेरिफेरल ब्लड है। पेरिफेरल ब्लड मतलब जो कैपिलरी आपकी स्किन में है, हाथ में, पैर में, जो आपकी खाल के पास सतह पर, आपकी शरीर की सतह पर जो खून की पाइपें यानी वेसल्स हैं, वहां पर आ जाता है। और दिन के समय जो है ये माइक्रोफाइलरी अंदर, जो आपके डीप, जैसे आपके सीने के अंदर थोरेसिक वेसल है, तो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी आर्टरी होती हैं जो शरीर के अंदर रहती हैं, उनमें चला जाता है। इस लार्वा में एक नॉक्टर्नल पीरियडिसिटी होती है। एक क्या है? नॉक्टर्नल पीरियडिसिटी। पीरियड मतलब समय, एक समय के हिसाब से बॉडी में रहता है। हमने अभी बताया दिन में आपको ये शरीर के ऊपर मिलेगा, यहाँ सतह पर नहीं, दिन में कहाँ होगा लार्वा? ये अंदर डीपर थोरेसिक वेसल्स में, है ना, या हमारे शरीर की अंदर की आर्टरीज में। तो ये अंदर शरीर के सतह जो अंदर है वहां पर रहेगा ब्लड में। और रात के समय जब आप सोएंगे तो वही 10 से 4 के समय, है ना, रात में अगर हम 10 बजे से सो रहे हैं सुबह 4 बजे के बीच में, तो 10 से 4 के बीच में जो रात का समय होगा, उस समय ये लार्वा जो है आ जाएगा आपके शरीर की सतह वाले ब्लड में। सतह का ब्लड आपके ऊपर की खाल का ब्लड, आपकी नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे, डिप्लोजून कहाँ रहता है? ये कुछ फ्रेश वाटर जो फिशेस होती हैं, नदी की, तालाब की मछलियां, उन मछलियों में जो गिल्स होते हैं वहां पर चिपक के रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मछलियों में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप फिशीज पढ़ेंगे तो आपको जानना पड़ेगा डिप्लोजून उनका पैरासाइट है। ये मछलियों का पैरासाइट है, किन मछलियों का? फ्रेश वाटर फिशेस का पैरासाइट है डिप्लोजून, और कहाँ रहता है? उनके गिल्स में, क्लोम दरारों में, ठीक है। तो ये एक्टोपैरासाइट है फ्रेश वाटर फिशेस के गिल्स में। और सबसे खास बाटुलिज्म, ध्यान दीजिए, पहली कौन सी है? बाटुलिज्म। हमने कहा था ये क्या, एक तरह की फूड पॉइजनिंग। कौन सा बैक्टीरिया? क्लास्ट्रिडियम बाटुलिज्म, क्लास्ट्रिडियम ये करता है। और ऐसे जो चीजें, जो डिब्बा बंद चीजें होती हैं, जैसे कुछ खाने वाली चीज़ें पैकेट में आती हैं या कैन में आती हैं, वो रखी हुई चीज़, अब वो चीज़ ख़राब हो गई, है ना, तो अगर वो चीज़ ख़राब हो गई तो क्या होगा? फूल सकता है। आप डिब्बा देखेंगे कभी, तो डिब्बे में से मान लीजिए अगर स्टील का कैन है, तो कैन एक साइड में फूल रहा है, डिब्बा जो एक साइड में फूला हुआ है, यानी इसके अंदर क्या बन गई? गैस, चीज सड़ गई है। ये पहचान होती है, कभी भी डिब्बा बंद चीज में अगर आपको उसका डिब्बा एक तरफ से फूला फूला लगे, लगे गुब्बारा निकल आया है इसमें, तो समझ जाओ इसके अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई। यहाँ कौन पनप चुका है? बैक्टीरिया क्लास्ट्रिडियम बाटुलिज्म, और वो खराब है, वो नुकसान करेगा। अगर ऐसी खराब चीजें हम खा लेते हैं जो सड़ चुकी हैं, जिनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर चुका था, क्लास्ट्रिडियम बाटुलिज्म ये टॉक्सिन निकालता है एक प्रकार का, और वो टॉक्सिन विष हमारे अंदर चला जाएगा, और उसी से हमें फूड पॉइजनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं भोजन विषाक्तता। हमने विषाक्त भोजन, विषैला भोजन खा लिया एक तरह से, और उसके बाद फिर क्या शुरू होता है वो आपको पता ही है। अच्छे से पढ़ के बैठे हैं। तो यहाँ पर जब हार्ट नहीं है पंप करने के लिए, तो जो पाइप आप देखेंगे डार्सल ब्रेडोसल, ठीक है, उसकी वाल में इस तरह से क्रमाकुंचन होता है, सिकुड़तियाँ फैलती हैं, इस तरह की मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टेल्सिस। तो पेरिस्टेल्सिस होती हैं, किसमें होती हैं पेरिस्टेल्सिस?
डार्सल ब्लड वेसल में, वो इतनी तेज धक्का मारता है कि पूरा ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है। ब्लीफेरोप्लास्टी बोला जाता है। चलिए आपको बताना है बेसल बॉडी में और इसमें अंतर बताना है फ्लैजिलम में। ये जो फ्लैजिलम ऊपर निकला है, निकला तो बेसल बॉडी से ही है, लेकिन बेसल बॉडी में क्या फर्क आ गया, बेसल बॉडी में क्या फर्क आ गया? ब्लीफेरोप्लास्ट काइनेटोसोम, ठीक है, वेरी गुड। बताइए क्या फर्क आ गया ब्लीफेरोप्लास्ट में, ऊपर के फ्लैजिलम से क्या फर्क आ गया, यहां पर क्या अंतर है फ्लैजिलम में और जब यहां देखेंगे बेसल बॉडी में तो क्या डिफरेंस आपको मिलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। माइक्रोफाइबुल में अंतर मिलेगा, 9+0 आ जाएगा, 9+0 आ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए जो चीज आपको बता रहे, ध्यान समझिए, जो हमारे बच्चे में जानते होंगे, जो लोग नए लोग हैं बहुत ध्यान से समझेंगे। एक पिलर आपको जमीन से निकालना है, एक खंभा आपको जमीन से बाहर निकालना है। तो क्या करना है, जब वो खंभा जितना जमीन के अंदर है, जब खंभा एक पिलर, पिलर जब हमारा मिट्टी के नीचे से आ रहा है तो जितना हिस्सा मिट्टी के नीचे है उसमें हमको 9 सरिया डालनी है, 9 रॉड डालनी है। सरिया होती है लोहे की, तो वैसे समझ लीजिए खंभे में 9 सरिया डालनी है और 9 कहां डालनी है, किनारे किनारे। तो जो हिस्सा खंभे का जमीन के नीचे है उसमें सिर्फ 9 सरिया डालनी है, कहां, किनारे किनारे। और हर 9 सरिया में, एक सरिया में 3 पतली पतली सरिया है, यानी हर एक सरिया जो 9 डाली हमने किनारे किनारे, वो 9 किनारे किनारे यानी पेरिफेरल, हर पेरिफेरल फाइब्रिल में 3 है, यानी वो कैसा है, ट्रिपलेट है, और बीच में कुछ भी नहीं, बीच में कुछ नहीं। फिर वो खंभा जब जमीन से बाहर आया, जब खंभा जमीन से बाहर आया तो जो खंभे का पिलर का भाग ऊपर आ गया, अब उसमें बीच में 2 सरिया और बढ़ा देंगे, उस पिलर में बीच में 2 सरिया और बढ़ा देंगे, यानी अब किनारे किनारे 9 है, बीच में 2 और बढ़ गई सेंट्रल फाइब्रिल, तो 9+2 हो गया। तो क्या हो गया, 9+2। तो अगर हम यहां से देखेंगे फ्लैजिलम के अंदर, आगे स्ट्रक्चर्स का आपको पढ़ाएंगे, टीएस वगैरह भी पढ़ा देंगे, अगर यहां से काट के देखेंगे फ्लैजिलम से तो यहां पर मिलेगा 9+2, और यहां अगर बेसल बॉडी में देखेंगे तो यहां मिलेगा 9+0। और एक अंतर आएगा, एक तो यह अंतर आएगा, नो सेंट्रल फाइबर इन बेसल बॉडी, वेरी गुड शिल्पी जी, कि यहां पर जो बेसल है जितना खंभे का जमीन के नीचे हमने बताया उसमें 9 सरिया पड़ी हैं, बस बीच में 2 सरिया नहीं पड़ी हैं, और जितना खंभा ऊपर आया है उसमें 9 सरिया तो किनारे वाली है ही है, बीच में 2 सरिया बढ़ा दी जो पार्ट ऊपर आया, तो वही समझ लीजिएगा यहाँ 9+2 है, यहाँ 9+0 है। अब आपको ये बताना है और भी कुछ अंतर है इन फाइब्रिल में, 9+2 तो कहेंगे, इधर 9+0 कहेंगे, और कुछ अंतर आया? अभी हमने हिंट दी थी थोड़ी सी कि खंभा का कुछ हिस्सा नीचे है, कुछ खंभा जमीन के ऊपर है, जितना खंभा जमीन के नीचे है उसमें 9 सरिया किनारे, 9 पेरिफेरल, 2 बीच में 2 सेंट्रल, जितना खंभा ऊपर, जितना खंभा ऊपर उसमें 11 सरिया, 9 पेरिफेरल और बीच में 2 सेंट्रल, और नीचे वाले में केवल 9 थी, सॉरी नीचे वाले में ध्यान रखिएगा सीलियम है, ये सीलियम को यहां से आगे वाले पार्ट से काटा गया, बेसल बॉडी से नहीं काटा गया है, ये यहां से काटा गया है, इस वाले पार्ट से, साफ्ट वाले पार्ट से, तो आगे वाले पार्ट से सीलियम को काटा गया। ये एक सीलियम था, इसकी हमने ये ऐसे काट काट दी, ये ऐसे काट, ये ऐसे वाली काट क्या थी, टीएस, और जब इसको ऐसे काटा तो पता चला इसके अंदर 9+2 ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, 9+2, ये आप देख रहे हैं परिधि पर 9 फाइब्रिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पेरिफेरल फाइब्रिल हैं, और हर पेरिफेरल फाइब्रिल में 2 सब फाइब्रिल हैं। जो पेरिफेरल फाइब्रिल होता है, हमने कहा था खंभे में किनारे किनारे 9 सरिया डालिए और हर एक सरिया में 2 सरिया रखिए, यानी ये जो एक फाइब्रिल इसमें 2 सब फाइब्रिल हैं, इसमें से ये जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, डायग्राम में उल्टा सीधा थोड़ा हो सकता है, आप लोग अपने ध्यान समझिएगा, 2 सब फाइब्रिल में से जो एक सब फाइब्रिल थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है, इस बड़े वाले को कहते हैं ए सब फाइब्रिल, और जो छोटा वाला होता है इसको कहते हैं बी सब फाइब्रिल, याद रखिएगा इनके नाम। तो ये जो परिधि पर ये 9 है, ये 9 क्या हो गए, पेरिफेरल, ये इनको बोलेंगे आउटर, और इन पेरिफेरल में ए और बी 2 सब फाइब्रिल हैं, बड़ा इसमें से कौन है, ए वाला, बड़ा कौन सा है, ए वाला, 9+2 में बड़ा है ए वाला, वेरी गुड। डबलेट है, डबलेट तो है, लेकिन डबलेट में भी अंतर है, ए सब फाइब्रिल बी सब फाइब्रिल। अच्छा, ए और बी में
जो आप देख रहे हैं सब फाइब्रिल ए है, सब फाइब्रिल ए से क्या निकली है, आर्म निकली है, ये देखिए आर्म निकली है, ये आर्म निकली दो दिख रही होंगी आपको, ये एक इनर आर्म है, ये आउटर आर्म है, इनको डायनिन आर्म बताया था आपको, इनको डायनिन आर्म बोलते हैं, तो ये डायनिन आर्म निकली हुई है, तो ये डायनिन आर्म, ये इनर आर्म है, ये आउटर आर्म है, बड़ा सब फाइब्रिल ए वाला उसी ए वाले से निकली है, और आप देखिए ये नहीं, इसकी डायनिन आर्म इधर और इसकी डायनिन आर्म इधर, सारी डायनिन आर्म एक ही डायरेक्शन में है, इधर को इधर को इधर को इधर को, तो सारी डायनिन आर्म की डायरेक्शन सेम होती है, और ये जो डायनिन आर्म है इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये अंदर की ओर है, ये इनर आर्म है, ये बाहर की ओर है, ये आउटर आर्म है, इनर आर्म का कनेक्शन अगले के बी सब फाइब्रिल से होता है, इसका कनेक्शन किससे होता है, अगले वाले के बी सब फाइब्रिल से, कनेक्शन बिटवीन आउटर डबल फाइब्रिल आप देख रहे होंगे, ये आर्म इससे बी वाले से जुड़ गई, कौन सी आर्म, इनर आर्म, और ए सब फाइब्रिल को ये जो बीच में दो हैं, हमने कहा था खंभे में नौ सरिया हैं, किनारे किनारे नौ पड़ी हैं, और खंभे के बीचों बीच में कितनी पड़ी है, दो, ये बीच वाली दो क्या है, सेंट्रल फाइब्रिल है, सेंट्रल फाइब्रिल एक सेंट्रल सीथ में बंद है, और इन आउटर वाले को ये जो नौ फाइब्रिल बाहर वाले हैं, इनमें से जो ए सब फाइब्रिल है ए वाला, उसको जोड़ दिया गया है बीच से, ये रेडियल स्पोक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपकी साइकिल का पहिया, आप ध्यान दीजिएगा साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिए में एक धुरी होती है, धुरी के बाद साइकिल के पहिए में तीलियां होती हैं, तो वही तीलियों की तरह, तीली को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोक, जिसको आप साइकिल के पहिए की तीली बोलते हैं, वो साइकिल के पहिए की तीली इंग्लिश में क्या कहलाती है, स्पोक, ये रेडियल स्पोक है, और रेडियल स्पोक से इनका कनेक्शन आउटर फाइब्रिल से रहता है, ठीक है। इंस्पायरेशन, आप फील करिए, आप सांस अंदर लीजिए और बोलिए, नहीं बोल पाएंगे, जब आप सांस छोड़ते हैं बाहर को, तो सांस छोड़ते हैं और आवाज निकलती है, देखिए जब बोल रहे हैं तो मुंह से हवा निकल रही है, कुछ लोग तो बोलते हैं तो मुंह से थूक भी निकलता है, ठीक है, तो बोलते हैं तो हवा मुंह से बाहर आती है, एक्सपायरेशन में हम लोग बोल रहे हैं, किसमें बोल रहे हैं, एक्सपायरेशन, तो जैसे ही हमारी सांस बाहर जा रही है, बाहर जाते समय ये सांस इन तारों को छेड़ती है, किनको, वोकल कार्ड को, गिटार की तरह तार बजते हैं, और उन उस कंपन को हम अपनी ओठों से, दांतों से, टंग से एक रूप देते हैं, और वो हमारी लैंग्वेज बन जाती है, तो हम जब बोलते हैं तो हमारा गला खुलता है, और अगर खाते समय बोलते हैं, खाते के समय बोलते हैं, तो बोलने पर ये जो एपिग्लॉटिस है ये खुल सकता है, फूड पार्टिकल आपके ट्रेकिया में जा सकते हैं, इसलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए, और ये इतना है खतरनाक, आदमी की जान भी जा सकती है, कई लोगों की ऐसे डेथ भी हो चुकी है, अगर खाते टाइम और बहुत चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, और धोखे से ये खुल गया, और फूड जो है यहाँ चला गया, कहाँ, ट्रेकिया में, तो ट्रेकिया चोक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, ये फैटल कंडीशन है, जानलेवा कंडीशन है, आदमी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब लगभग लगभग जो हमारा माउथ बक्कल कैविटी यहाँ तक सब कुछ हो गया था, डाइजेशन भी लगभग लगभग आप लोगों को पढ़ रहे हैं, और वीडियो जो पुराने छूटे हुए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं अपलोड करने की, थोड़ा ज़्यादा जीबी के बन गए थे इसलिए अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए, जितना भी मटेरियल होगा आपको मिलता रहेगा, जितना आप पढ़ा, जो हम दूध पीते हैं उसमें प्रोटीन कौन सी है, केसीन, दूध में प्रोटीन कौन है, केसीन है, और वो यहाँ लिक्विड फॉर्म है, दूध तरल होता है, लिक्विड होता है, तो दूध अगर आप पिएंगे तो केसीन प्रोटीन यहाँ से आगे चली जाएगी और वो आगे डाइजेस्ट होगी, वो स्टमक में रोक नहीं सकते हम, वो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन बच्चे रोक लेते हैं, क्यों, वो तो दूध ही पीते हैं ना, तो उनको तो दूध का ही, छोटे बच्चे जो चाइल्ड होते हैं दूध ही पीते हैं, तो वो उनको दूध ज़्यादा पचाना होता है, तो इसलिए वो अपने स्टमक में रोकते हैं दूध को, और यहाँ दूध का डाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, दूध में क्या था, कौन सी प्रोटीन, केसीन, उस पर उनका काम, क्योंकि उन्होंने बताया था बच्चों में एंजाइम था कौन सा, रेनिन, तो वो रेनिन काम करेगा, और रेनिन केसीन को बदलेगा पैरा केसीन में, किसे को बदलेगा, पैरा केसीन में, और पैरा केसीन जो है वो कैल्शियम के साथ जुड़ करके, कैल्शियम के साथ जुड़ करके सीपीसी क्या बनाएगा, सीपीसी, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, और जब केसीन बदल जाएगी कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, तो वो समझ लो दूध से दही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दूध से दही बन जाएगा, इसीलिए आपके घर में परिवार में कोई छोटा बच्चा हो तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे को दूध दूध पिलाया और थोड़ी देर बाद दूध दूध डाल देता है, डाल देता दूध, मुंह से दूध डाल देते हैं, बच्चे खूब करते हैं दूध डालते हैं, तो बच्चे जब दूध डालते हैं तो वो दूध होता है या दही जैसा होता है, दही जैसा होता है, तो दही जैसा होता है, तो उनसे जब वो बाहर निकलता है तो वो दही जैसा होता है, तो वो दही जैसा क्यों होता है, आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे ने उसको दूध से
दही बना दिया, कहां? स्टमक में। उसके स्टमक में कौन सा एंजाइम? रेनिन। रेनिन ने क्या किया? दो स्टेप, केसीन को बदलेगा पैरा कैसीन में, पैरा कैसीन कैल्शियम से जुड़ करके कैल्शियम पैरा कैसीनेट, और कैल्शियम पैरा कैसीनेट क्या हो गया? ठोस हो गया। ये दूध से दही बनाना कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या कहलाता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। ये कर्डलिंग, कर्ड बना देना, दही बना देना, ये बच्चों में होता है किस एंजाइम से? रेनिन। पहले क्या था? प्रोरेनिन। HCl ने सक्रिय करके क्या बनाया? रेनिन। हम लोगों में एक ये प्रोसेस आगे होगी, क्योंकि हमारे में अब रेनिन बंद हो चुका है निकलना, अब रेनिन नहीं निकलना, बचपन में निकलता था बच्चे जब थे, अब बंद हो चुका है, तो हम लोगों में आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं, केसीन का डाइजेशन आगे हो जाएगा। और कोई डाइजेशन यहां नहीं पढ़ना है, दो से ही डाइजेशन पढ़ना है, किससे? पेप्सिन से और रेनिन से। आपको क्या ध्यान देना है कि इस एग्जाम पर, कोई जरूरी नहीं है लेकिन एग्जाम पर क्या हो सकता है, कवरिंग हो सकती है। जैसे आप बिजली का तार देखते हैं, बिजली का तार, बिजली के तार में तार अंदर होता है वो तांबे का, और उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, वो प्लास्टिक जैसे क्या होती है? कुचालक, इंसुलेटर होता है वो, कुचालक यानी इंसुलेटर। ऐसे आप तार पकड़ लोगे करंट नहीं लग जाएगा, तो उस करंट को अंदर रोकने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक जैसी क्या चढ़ी है? कुचालक, इंसुलेटर सीट होती है। ऐसे ही इसके ऊपर भी एक कुचालक सीट बनानी है, तो ये जो सीट बनानी, इसके ऊपर समझ लो तार के ऊपर समझ लो प्लास्टिक चढ़ानी है, अंदर बिजली का तार है तांबे वाला, और उसके ऊपर तार, सबने काट के देखा होगा, लोग दांत से छील देते हैं, तार निकलता है उसके ऊपर प्लास्टिक होती है, वही चीज यहाँ भी समझना है। तो इसके ऊपर अंदर का तार मान लिया हमारा कौन हो गया? एग्जाम। और उसके ऊपर जो प्लास्टिक जैसा है, तो कुचालक सीट बनानी है, उसका नाम माइलिन सीट है। क्या नाम है उसका? माइलिन सीट है। ये माइलिन सीट कैसे बनती है? तो एक इस तरह की कोशिका, ऐसे मान लो हमारा हाथ ये एक कोशिका है, ये एक सेल है, ठीक है, कवरिंग सेल बनाने वाली ये सेल है, इसका नाम है स्वान सेल। क्या नाम है? ये हमारा जो है, ये मार्कर मान लीजिए एग्जाम है, ये स्वान सेल ऐसे लिपट गई इसके चारों ओर, हो गई कवरिंग, फिर ये दूसरी स्वान सेल इसके चारों ओर लिपट गई, फिर तीसरी स्वान सेल, फिर चौथी स्वान सेल, तो इस तरह से ये क्या लगती है इसके चारों ओर? स्वान सेल, और स्वान सेल इसके चारों ओर कवरिंग बना देती है, और ये क्या हो जाती है? माइलिन शीथ। और ऐसा न्यूरॉन जिसपे माइलिन शीथ बन जाती है, ये माइलिनेटेड, ये क्या कहलाता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? माइलिनेटेड या मेडुलेटेड भी कह सकते हैं, दोनों नाम चलते हैं, माइलिनेटेड या मेडुलेटेड। इसके एग्जाम के ऊपर एक क्या चढ़ गई? माइलिन सील। माइलिन सील को बनाने वाली ये सेल क्या थी? स्वान सेल। इसने एग्जाम को चारों तरफ से कवर कर लिया और ये माइलिनेटेड न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं इस माइलिन सील में, जैसे गन्ने में बीच बीच में वो होते हैं नोड होते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ माइलिन सीट, तो बीच का कुछ प्रोसेस जो कुछ स्थान है वो अनकवर वाला है, यहाँ कवरिंग नहीं है। ये जो बीच बीच के प्रोसेस बनते हैं, इन्हें याद करेंगे नोड ऑफ रेनवियर। इनका नाम क्या है? नोड ऑफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बहुत है, जैसे एक आपका कौन? मिसल ग्रेन्यूल, ठीक है। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन? सेंट्रोसोम अब्सेंट, सेंट्रोसोम अब्सेंट डिवाइड नहीं करेंगे। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन? नोड ऑफ रेनवियर। तो माइलिन सीट में जगह जगह पर जहां ये अनकवर्ड पार्ट होते हैं, इन पार्ट को हम क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। इन नोड ऑफ रेनवियर से क्या फायदा होता है? ठीक है, टीथ अब्सेंट है, जबड़े में हार्नी सीट्स पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हीं से ये खाते हैं, टीथ नहीं है, दांत अब्सेंट है इसमें, क्लोएका ही है, और बस यही मेन चीज़ें हैं इसमें, आपके कीलोन, टेस्टिडो, ट्रायोनिक्स, ये सब आपके जीनस आ जाते हैं। जीनस के नाम देख लेंगे, कीलोन, कीलोन। ओवरी क्या है? जननांग है, गोनेड है, और इन जननांगों में आपको टेस्टिस के अंदर, ओवरी के अंदर क्या मिलेगी? जर्म सेल। तो जर्म सेल हमारे हाथ पैर में नहीं मिलेगी, आंख नाक कान में नहीं मिलेगी, जर्म सेल केवल गोनेड में मिलेंगी, और गोनेड में जो जर्म सेल होंगी उन्हीं में क्या होगी? मियोसिस, और उन्हीं से क्या बनेगा? गैमेट। कितने का? 23 का। शरीर कितने का है? 46 का, 23 जोड़ी का, लेकिन 2n का, और गैमेट हमारा कितने का बनेगा? n का। ये गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस, तो हम लोग जान गए गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार की होगी। अब है उस जगह को आप जानते होंगे, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बस उसी ब्लाइंड स्पॉट के पास कंघे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और मानते हैं इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और ब्लड है तो, अगर ब्लड है तो उसका काम क्या है? न्यूट्रिशन देने के लिए है। हमारी आंख में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 लेयर्स होती हैं, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। तो
जैसे आंख में ऊपर स्क्लेरा है और बीच में जो कोराइड है, हम लोगों में भी ये जो काला पार्ट आप देख रहे हैं पिगमेंटेड वाला, जो जिसे दीदा या आयरिस बोलते हैं आप, तो जो काला काला आंख में आयरिस दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये आयरिस इसी कोराइड का ही हिस्सा है। तो जो कोराइड वाला पार्ट है उसी आप पार्ट का मान लीजिए ये बना होता है पेक्टिन, और कोराइड हम लोगों में भी वेस्कुलर होता है, बर्ड्स में भी ये वेस्कुलर होता है, संवहनी होता है, ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई आ रही है तो क्या दे रहा होगा? न्यूट्रिशन दे रहा होगा। तो जो आई बाल है, आई बाल को न्यूट्रिशन देने से रिलेटेड है, और किसमें नहीं पाया जाता है? योगेश तिवारी ने बिल्कुल सही बताया, कीवी में नहीं पाया जाता है। तो कीवी पक्षी को छोड़ दें तो ये पाया जाता है। श्वेता ने डिसेक्शन किया था, वेरी गुड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कीवी में नहीं होता है, ये सब लोग याद रखेंगे। कीवी यानी एप्टेरिक्स, कीवी का दूसरा नाम कुछ नहीं है, ठीक। इमेच्योर में कुछ नहीं, शुरुआत के जो नेक के पास है, जो स्टार्टिंग के हैं, उन स्टार्टिंग के प्रोग्लाइटिड में कोई भी आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं मिलेगा, ठीक। स्टार्टिंग के प्रोग्लाइटिड में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा। फिर जब उसके बाद हम पहुंचेंगे कहां? मेच्योर में। उसके बाद हम मेच्योर पहुंचेंगे तो यहां पर जो 100-150 शुरुआत के होंगे, मेच्योर में भी शुरुआत के, वो उनमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की टेस्टिस बन जाएंगे। उनमें क्या बन जाएंगे? टेस्टिस बन जाएंगे। तो यहां पर टेस्टिस बन जाएंगे शुरुआत के 100-150 में, टेस्टिस बन जाएंगे, यानी ये पहले जो प्रोग्लाइटिड बनना शुरू हुए। तो नेक वाले में तो अभी कुछ बन ही नहीं पाया था, ना टेस्टिस ना ओवरी। नेक के बाद जो पीछे की तरफ जो बन रहे हैं उनमें पहले हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ, और जब आप जानते हैं मेल पहले बने तो उस कंडीशन को प्रोटेंड्रस कहते हैं। कई लोगों ने लिखा भी है प्रोटेंड्रस, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रोटेंड्रस है, तो मेल वाले जो है ये प्रोटेंड्रस है। तो शुरुआत के एनाटिनस, बिल्कुल सही इत्कार, आर्निथोरिंकस एनाटिनस, और कॉमन नेम डक बिल्ड प्लेटिपस। याद रखेंगे यंग वन में टीथ होते हैं, बाद में रिप्लेस होकर के बीक बनती है। फिर आपको बताना है कि जो प्रोटोथीरिया में एक पॉइजनस स्पर होता है, ठीक है, वो स्पर जो होता है वो किस पार्ट में स्पर होता है, ठीक है, किस पार्ट में स्पर होता है, आंसर लिखेंगे। बाकी आपको हम बता रहे हैं, स्पर हमने आपको बताया था पहले भी, प्रोटोथीरिया जो होते हैं उनको पॉइजनस मैमल कहा जाता है, जहर, और ज्यादातर मैमल्स में नहीं है, इन्हीं मैमल्स में। तो वो कहां पर है पॉइजनस मैमल में? तो इनमें एक इस पर यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो उसका कनेक्शन एक ग्लैंड से रहता है, इनमें पॉइजन ग्लैंड भी होती है, ठीक है, और वो पॉइजन ग्लैंड जांग के आसपास, थाई के आसपास हो सकती है, उससे उसका कनेक्शन रहता है। और ये जो इस पर होता है ये मेल में पाया जाता है, ठीक है, और हाइंड लिंग में है, ठीक है, सही आ रहा है, और हाइंड लिंग में टार्सल पार्ट में है, बिल्कुल सही, ठीक है। श्वेता ने इस अवस्था में क्या हो जाए? गोलाकार हो जाए और कैनेटोप्लास्ट केंद्रक के आगे हो जाए। इसमें भी कैनेटोप्लास्ट कहां मिलेगा आपको? केंद्रक के आगे ही मिलेगा, लेकिन इसका शरीर कैसा हो जाएगा? गोलाकार, और फ्लैजेलम दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो फ्लैजेलम दरअसल बहुत छोटा हो गया, तो बिल्कुल बॉडी के पास आ गया है। ऐसी स्टेज जो बिल्कुल दिखेगी वो कौन सी स्टेज होगी? स्टेज कौन सी हो जाएगी? तो चार अलग अलग स्टेज में हो जाएगा। ये स्थिति हमने क्या देखी? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म माने बहुरूप का रीजन है, भी आपको बताएंगे। तो रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त 1897 को ये पता लगाया, पहली बार उन्होंने कनेक्शन बिठा दिया कि ये जो मच्छर और मलेरिया का संबंध है, ये मलेरिया जो है ये मॉस्किटो फैला रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ये उन्होंने बताया, ठीक है, कि एक इंसान का खून इसमें याद है, ठीक ठाक मात्रा में याद है, मध्यम मात्रा में, मॉडरेट अमाउंट में याद है, ऐसे अंडे को क्या कहेंगे? मीजोल स्थल। जो खराब का अंडा होता है सबको पता है कैसा होता है, मीजोल स्थल होता है। और यहाँ पर एक छोर पर साइटोप्लाज्म है और एक छोर पर याक है। जब याक एक तरफ होता है, मतलब बराबर अंडे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोल स्थल। लेकिन यहाँ होमो नहीं है, याक एक तरफ है तो इसे बोलेंगे हेट्रोल स्थल। और हेट्रोल स्थल में यहाँ छोर बन गए, एक तरफ एनिमल पोल एक वेजिटेबल पोल इस तरह से हो गया, तो उसे बोलेंगे टीलोल स्थल। तो बीजोल स्थल और टीलोल स्थल टाइप के यहाँ पर अंडे हैं, किसमें? फ्राग में, ठीक है। अब फ्राग में जो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन में जो जायगोट हो गया, जायगोट में न्यूक्लियस कार्बोनेट की बनी है, तो वो आएगा किसमें? कैल्केरिया में। और कैल्केरिया को
को लाइम स्पंज भी कहेंगे, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, CaCO3 को चूना पत्थर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया लाइम स्पंज, लाइम मतलब चूना, तो लाइम स्पंज इनको कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी है कैल्केरिया भी कहते हैं, कैल्सी स्पॉन्जी भी कहते हैं, कैल्केरिया भी कहते हैं, कैल्सी स्पॉन्जी भी कहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सफिशियंट है गुरसेन भैया, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना बिल्कुल सफिशियंट है। अगर रुक रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत नहीं सुमन जी, इधर से कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हाँ लाइम स्पंज, कैल्केरियस स्पिक्यूल, ज्यादातर मोस्टली सब सालो वाटर में मिलेंगे, ठीक है। जितने भी कैल्केरिया है ये आपको गहरे पानी में नहीं मिलेंगे, छिछले पानी में, कम गहरे पानी में आपको मिलेंगे, सालो वाटर में मिलेंगे। अब दो ऑर्डर यहाँ पर आपके सामने है, होमोसिला और हेट्रोसिला, दोनों में आपको वही दो आपको कैनाल सिस्टम पकड़ लेने हैं। एक हमने आपको कैनाल सिस्टम बताया, याद करिएगा, एस्कान टाइप, उसमें सीधे इस तरह से एक स्पंजोसील है, तो बाहर का छेद आस्टिया, आस्टिया से पानी अंदर आया, अंदर कहां भरा, स्पंजोसील, और पूरी स्पंजोसील में यहां यहां क्या लगी थी, कोइनोसाइट्स और ऊपर आस्कुलम। तो जो एस्कान टाइप है वो ये है होमोसिला में, क्योंकि इनकी जो स्पंजोसील है वो पूरी एक ही है, एक ही टाइप है, होमो मतलब एक समान, तो ये होमोसिला में आएंगे, एस्कनाइट स्पंज आएंगे, रेडियल सिमेट्री होगी। और जब पूरी इसमें बॉडी वाल फोल्ड नहीं है तो इनको अगर खड़ा खड़ा हम काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से काटेंगे, खड़ा खड़ा काटने पर दो भाग, इस खड़ी काट से दो भाग, यानी किसी भी खड़ी काट से काटेंगे और कहां से होते हुए, सेंटर से होते हुए, मतलब बीच में जाना चाहिए, ये नहीं किनारे से आप छील दो, इसे छीलना नहीं है, खड़ी से काट से काटना है, बीच से काटना है, तो चाहे इस खड़ी काट से काटें, चाहे इस खड़ी काट से काटें, चाहे ऐसे काटें, किसी भी खड़ी काट से जो केंद्र से सेंटर से गुजरती हो, काटने पर दो भाग हो जाएंगे, रेडियल सिमेट्री है। एस्कोनाइड है, बॉडी वाल जो इस तरह से आप देखते थे फोल्ड होती थी, किसमें, साइकान में, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल वो बनती थी, वो कुछ भी नहीं बनेगी इसमें। स्पंजोसील में पूरा अंदर अंदर स्तर होगा किसका, कोनोसाइट का, इसमें आप पाएगा ल्यूकोसिलेनिया और क्लेथराइना। तो ल्यूकोसिलेनिया और क्लेथराइना जो है, ये दो नाम आप याद कर लीजिएगा, ये आर्डर होमोसिला में आते हैं। होमोसिला आपको वही याद रखना है, कौन सा कैनाल सिस्टम, एस्कोनाइड, एस्कान टाइप, प्लाइडी लेवल तो समझते होंगे, क्रोमोसोम का लेवल होता है, कितने गुणसूत्र हैं, सिंगल है, पेयर में है, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, इस तरह से। तो क्या इनकी प्लाइडी लेवल में भी कोई अंतर होता है मैक्रो की और माइक्रो की, प्लाइडी लेवल में क्या अंतर होता है, होता है तो क्या होता है, मैक्रो वाला पॉलीप्लाइड, माइक्रो वाला डिप्लाइड, वेरी गुड पंकज, ठीक है, बिल्कुल सही। ये भी एक समझ लीजिएगा, जब क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होते हैं, जब क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होते हैं तब उसे क्या कहते हैं, हैप्लॉयड, जब क्रोमोसोम जोड़ी में होते हैं तब उसे क्या कहते हैं, डिप्लॉयड, और जब क्रोमोसोम के सेट में तीन तीन का सेट हो गया, जैसा एक क्रोमोसोम वैसा एक और वैसा एक और, जो जीन इस पर वो जीन इस पर वो जीन इस पर, अब तीन तीन का सेट बन गया तो इसे 3N यानी क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉयड, अगर चार चार का सेट बन गया तो 4N यानी टेट्राप्लॉयड, यानी 2N से ऊपर हमारा कहलाता है पॉलीप्लॉयड, 2N से ऊपर क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉयड। तो ये जो मैक्रो वाला है ये आपका पॉलीप्लॉयड मिलेगा, इसमें अंदर ही अंदर क्रोमोसोम बढ़ते रहते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, पॉलीप्लॉयडी हो जाती है, जबकि ये जो माइक्रो वाला है ये हमेशा आपको 2N मिलेगा, 2N का मतलब यहाँ क्रोमोसोम केवल पेयर में होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ये माइक्रो वाला डिप्लॉयड होगा, मैक्रो वाला पॉलीप्लॉयड होगा, वेरी गुड, सभी लोगों ने बढ़िया आंसर दिया। और एक खास बात जानिए, एलेंटोइक जो एक मेम्ब्रेन है ये दरअसल क्या होती है, इसको हम एम्ब्रियोनिक किडनी भी कह सकते हैं, ये हमारे भ्रूण का गुर्दा है, हमारे अंदर तो दो दो गुर्दे हैं, वहां मूत्र है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से निकल जाता है, हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं, किस फॉर्म में उत्सर्जन करते हैं, युवराज जी कह रहे हैं टॉपिक बता दिया, अगर पढ़ के रखेंगे टॉपिक तो भैया बता देते हैं, चल ही रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, पहले हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, फिर हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, फिर हमने आपको इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा पढ़ाया, अब आज यही बचा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल, अब पार्टिशन बचा है, डिलीवरी करानी है भाई, चाहे कराओ चाहे ना कराओ, ऐसे बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यूरियोटेलिक
आंसर आ गया, हम लोग यूरिया निकालते हैं। तो हम लोगों में तो यूरिया निकलता है, यूरिया जानते हैं आप लोग थोड़ा सा मॉडरेट टॉक्सिक होता है, उसको घोलने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, पानी में घुलता है तो थोड़ा सा ज्यादा पानी लगता है उसमें। और ये जो हमारा एम्ब्रियो है, अगर ये इतना यूरिया निकालेगा ना, इतना पानी भर जाएगा, इतना वजन ज्यादा इसका हो जाएगा। तो वहां पर ये यूरिक एसिड के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा किस फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में स्टोर होता है हमारी एलेंटोइक में। कहां गई, ये रही, ठीक है। तो ये जो एलेंटोइक है, यहां पर हमारा क्या इकट्ठा हो रहा है, यूरिक एसिड के फॉर्म में हमारे नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो हमारे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हैं, सर मेरा इसलिए नहीं हुआ है, मैं तैयारी टीजीटी की करती, मेरा पीजीटी हो चुका है, फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं छाया जी, फाइनल सेलेक्ट होंगे, है ना, एक बार होने दीजिए, जाने दीजिए, अगली बार सेलेक्ट होंगे, उसमें कौन समस्या, हिम्मत ना हारिए। तो यूरिक एसिड के रूप में एक यहाँ पर होगा एलेंटोइक। तो एलेंटोइक को यूरिनरी ब्लैडर ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का मूत्राशय, भ्रूण का किडनी, जो भी कहना हो, ये जो है ये आपका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को घेरती हुई ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर रखती है और इस मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को घेरे रहती है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं एमनियन। एम्ब्रियो और एमनियन के बीच फ्लूड भरा है, इस फ्लूड को एमनियाटिक फ्लूड कहते हैं, और ये जो कैविटी होती है इसे एमनियाटिक कैविटी कहते हैं। तो एक तो मेम्ब्रेन आपको मिल गई एमनियन, एमनियन के बाद ये जो बाहर बाहर दिख रही है ये कौन है, कोरियान, कोरियान से ही विलाई निकले हैं, ये कोरियानिक विलाई। और ये देखिए यहाँ पर ये दो छोटी छोटी सी रह गई, एक एलेंटोइस और एक याक सैक, ये वही जो बच्चे में नाभि के पास से जुड़ा होता है, ये अम्बिलिकल कार्ड में रह जाती हैं, केवल आर्टरी और वेन बनाती हैं एलेंटोइस से, तो ये अम्बिलिकल कार्ड में ही रह जाता है। तो ये प्लेसेंटे में, इस प्लेसेंटा में ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, केवल कोरियान ही है जो वेस्कुलर है, और कोरियान ही पार्टिसिपेट कर रही है, आपका देख रहे हैं कोरियान है, कोरियान से विलाई बने हैं और ये कोरियानिक प्लेसेंटा हो गया। तो मनुष्य में केवल कोरियान भाग लेती है तो कोरियानिक प्लेसेंटा। अब आ जाइए इसमें हीमोकोरियल, चौथा जो प्लेसेंटा है वो है हीमोकोरियल, फिर वही इसी हिसाब से चलेंगे, डैश डैश के पहले मदर पार्ट, मैटरनल पार्ट में हीमो मतलब ब्लड, मां का सीधे ब्लड संपर्क में आ गया है। अब समझिए इस बार क्या मिटा लेंगे, इस बार ये भी मिटा देंगे हम, जो मदर की ब्लड वेसल है, खून की पाइपें हैं, इन खून की पाइपों की दीवार भी मिटा देंगे। अब ये जो विलाई है ये सीधे डूबे हुए हैं, सोचिए कितना इंटीमेसी है, कितना ज्यादा इंटीमेसी है इस प्लेसेंटा में, यहां जो ये विलाई है, ये विलाई सीधे डूबे हुए हैं मदर के ब्लड में, एक तरह से वो ब्लड से नहा रहे हैं, ब्लड में बात कर रहे हैं, उसी में डूबे हुए अंदर, उसी के अंदर, तो ये बहुत इंटीमेसी है। ये जो विलाई है सीधे मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ गया। अब इस बार एपिथीलियम गई, यूट्रस की कनेक्टिव टिश्यू भी गया और कैपिलरी की दीवार भी गई, सीधे ब्लड में आ गया, विलाई कहां तक पहुंच गया, ब्लड तक, तीन दीवारें गिर गई, यानी यहां एक दो तीन, मदर की, यूट्रस की एपिथीलियम, यूट्रस की एपिथीलियम, यूट्रस का कनेक्टिव टिश्यू और यूट्रस की ब्लड वेसल की दीवार एंडोथीलियम, तीनों चले गए। और इधर का क्या पार्ट ले रहा है, कोरियान, यानी कोरियानिक एपिथीलियम है, यानी इधर के तीनों बैरियर है, नंबर ऑफ बैरियर बचे तीन, नंबर ऑफ बैरियर कितने बचे, तीन, तो कहां छह थे, फिर पांच हुए, पांच के बाद चार हुए, चार के बाद हम आ गए तीन। अगला एक और लास्ट टाइप, उम्मीद करते हैं अगर क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी तो आप लोग सुबह देख लेंगे फिर से इसको, है ना, इस समय तो लाइव का तो कुछ आज मजा ही नहीं आ पा रहा। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग स्पोरोजोआ। बड़े खास है ये, क्योंकि खास इसलिए है क्योंकि ज्यादातर सब पैरासिटिक हैं और स्पोर बनाते हैं, और इनकी जो एडल्ट फॉर्म होती है उसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो जो इसमें ना आपको स्यूडोपोडिया दिखेंगे, ना आपको फ्लैजिला दिखेंगे, ना आपको इसमें सीलिया दिखेंगे, तो इस तरह का एडल्ट फॉर्म जो एडल्ट स्टेज होगी उसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, पैरासिटिक है। अब जब समझिएगा आप, ये परजीवी हैं, स्पोरोजोआ परजीवी हैं, बॉडी के अंदर रहेंगे तो इनके अंदर कोई पानी का अंदर आने का झंझट, तो ये वाला पार्ट हो गया हाइड्रोराइजा, ऊपर जा रहा हाइड्रोकालस, हाइड्रोकालस जो जा रहा है, अब आपको देखिए ध्यान से देखिए तो क्लियर होगा आप लोगों को, यहां पर देखिए कुछ बाहर बाहर इसके कवर दिखाई पड़ रहा है, यानी ये जो पूरा जीव है जहां पर हम इस समय देखिए मार्कर चला रहे, ये वाला ये इसकी कवरिंग है, ये पूरी बाहर कवरिंग है इसकी बॉडी में,
तो इसकी बॉडी में पूरी हर जगह ये कवरिंग है, बाहर बाहर यहाँ भी कवरिंग है, देखिए यहाँ भी ये कवरिंग है, ये पूरा एनिमल एक कवर से ढका हुआ है, इसका शरीर एक कवर से ढका हुआ है। जैसे पुराने जमाने में लोग युद्ध लड़ते थे तो देखा होगा आपने महाराणा प्रताप वगैरह युद्ध लड़ते तो अपने शरीर पर ऊपर एक कवच पहन लेते थे, तो बाहर कवच वो लोहे का बना है, वो निर्जीव है, अंदर उनका शरीर है। ऐसे ही समझ लीजिए इसका बाहर कवच है, वो नॉन लिविंग है, काइटिनस है, और उसका नाम क्या है, पेरिसार। तो ये जो आपको कवच दिख रहा है बाहर बाहर, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, ये सब पेरिसार्क है, बाहर का कवच पेरिसार्क है। और अंदर ध्यान दीजिएगा, जहां हम ये बिंदी बिंदी रख रहे हैं, देखिए ये डॉट 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 जहां हम रख रहे हैं, जहां पर आपको दिखाई पड़ रही होंगी अभी डॉट, ये जहां हम रख रहे हैं ये अंदर का लिविंग पार्ट है, इसको हम बोलेंगे सीनोसार्क। तो बाहर हो गया खोल पेरिसार्क, अंदर का लिविंग पार्ट हो गया सीनोसार्क। तो पेरिसार्क सीनोसार्क सबकी समझ में आ गया होगा। सीनोसार्क अंदर का जीव है, कैसा जीव है सीनोसार्क, कैसा इंडिविजुअल है, आप समझिएगा बिल्कुल हाइड्रा की तरह। जैसे हमने आपको बताया था स्पंज बनाना हो तो हमने याद किया आपको कहा था ऐसे बनाइए, बाहर बाहर पिनेकोडर्म, अंदर अंदर कोनोडर्म, पिनेकोडर्म कोनोडर्म, बीच में दबाइए मीजन मीजनकाइम यानी मीजोहिल, इस तरह से बताया था। और हमने आपको बताया था सिलेंडेटा बनाना तो एक हाथ से ऐसे पाइप बना लीजिए, ये ऐसे एक हाथ से ऐसे पाइप बना लीजिए, ये बन गया। ये बाहर बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या इसको क्या कहा था, एक्टोडर्म से बनी थी, है ना, और अंदर अंदर ये क्या हो गई गैस्ट्रोडर्मिस, इधर एपिडर्मिस इधर गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस इधर बाहर एपिडर्मिस इधर गैस्ट्रोडर्मिस, और दोनों के बीच में क्या था मीजोग्लिया था। तो इस तरह से नली जैसा बनाएंगे, वही जो नली जैसा हमने बनाया था एक हाथ से पाइप जो हमने बनाई थी, ऐसा ही एक जीव है, ये जीव कौन हो गया सीनोसार्क। और इसके ऊपर मान लीजिए ये कवरिंग चढ़ा दीजिए, जैसे हमारे हाथ में ये रुमाल है इस तरह से, तो ऐसे ये जीव बनाया और इसके ऊपर ये जो कवर से इसको ऐसे बंद कर दिया, तो इसको ऐसे कवर कवर से ढक दिया, ये जो बाहर का ये कवर हो गया, ये कवर क्या हो गया पेरिसार्क। तो सीनोसार्क को पेरिसार्क समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सबमरल सरफेस है, ये टेंटाकुलोसिस या रोबेलियम, आप गिन सकते हैं, ये एक ये दो तीन चार पांच छह सात और आठ, ये आपके आठ पोजीशन पर आपके टेंटाक्लोसिटी या रोपेलियम है। चार इसमें से आपके यहाँ गोनेट वाली भी पोजीशन, ये कौन सी हो गई इंटररेडियल, और चार भुजा वाली ये कौन सी हो गई पर रेडियल। तो चार इंटररेडियल पर है और चार पर रेडियल पर है। जैसे ये जो दिख रहा है ये आपकी पोजीशन जो यहाँ गोनेट के सामने आ रही है, ये पोजिशन आपकी है इंटररेडियल, इंटररेडियल। और ये जो दिख रही है यहाँ पर, ये पोजिशन आपकी जो दिख रही है वाली है पर रेडियल। तो इस तरह से चार इंटररेडियल पर है, चार पर रेडियल पर है, और टोटल कितने आठ आपको दिख रहे हैं रोपेलियम। ओके जीरो, बहुत बढ़िया। इसमें एक जीव का जो है फायदा हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो जाएगा और एक का ना बेनिफिट ना लॉस। एग्जांपल भी लिख दीजिए जल्दी से, एग्जांपल भी लिख दीजिए प्लस जीरो, कमेंसलिज्म में प्लस जीरो में एग्जांपल लिखिएगा भैया जल्दी से स्पीड में। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक का तो फायदा हो रहा है एक का कुछ नहीं हो रहा है। कमेंसलिज्म, सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, जल्दी से लिखिए। डाइजेंटिक, डाइजेंटिक पैरासाइट है, दो होस्ट है, ह्यूमन है और पिग है, ठीक है। तो ये डाइजेंटिक पैरासाइट है और जो मनुष्य है ये मैन इसका प्राइमरी होस्ट है, ठीक है। तो मनुष्य इसका जो है वो प्राइमरी होस्ट है, क्यों, क्योंकि एडल्ट फॉर्म, एडल्ट फॉर्म जो इसकी है वो किस में रह रही है, मनुष्य में रह रही है। और जो टीनियसिस डिजीज है वो भी किस में काज हो रही है, ह्यूमन में हो रही है, इसलिए ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है। यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे हम, जो ये एडल्ट टेपवर्म बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बोर्ड में दिख रहा होगा साफ, अगर ना दिख रहा थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे, 480 पे कर लेंगे तो अच्छा दिख जाएगा एकदम। तो ये दिखाया गया है, ये मनुष्य की ह्यूमन इंटेस्टाइन है, देखिएगा एक लेबलिंग देखिएगा, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है और ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये यहाँ पर शो किया गया है ये एडल्ट टेपवर्म है। ये एडल्ट टेपवर्म या जो वयस्क है, ये एडल्ट फीताक्रम हमारी इंटेस्टाइन में यहाँ से देखिए इस पार्ट से ये अटैच है। हमने बताया था चिपकने के लिए इसका आगे का भाग क्या कहलाता था, इसको, और इसी अजगर से मिलता जुलता एक होता है बोआ। जो बोआ होते हैं वो बोआ जो होते हैं वो ओवोविविपेरस होते हैं, ठीक है,
तो वो भी पेरस होते हैं, वो अंडे को होल्ड करके यंग वंश को जन्म देते हैं, तो वो बोआ होता है। तो ध्यान रखिएगा गोल्डी, गोल्डी फैमिली है। गोल्डी क्या है? फैमिली है, पाइथन और बोआ ये सब हैं मिलते जुलते, तो गोल्डी फैमिली का नाम है। तो इसमें जो पाइथन है, ठीक है, पाइथन जो है वो विषैला नहीं है। अजगर पहली कैटेगरी है एल स्थल। कौन सी कैटेगरी है? एल स्थल। सबको पता है ए माने लेस्थल शब्द आता है याक के, लेस्थल का मतलब क्या है? याक। तो ए माने आपसे लेस्थल माने याक नहीं, तो इन अंडों में याक नहीं होगा, तो नहीं क्या कहेंगे एल स्थल। अब आप दिमाग लगा सकते हो किन अंडों में याक नहीं होगा। जिस अंडे में याक नहीं है उसके अंदर भ्रूण को खाना कहाँ से मिलेगा? अंडे के अंदर तो कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब दूसरी व्यवस्था होगी, इसका मतलब जो भ्रूण होगा वो अपनी माँ से जुड़ा होगा, इसके द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा उसको मिल रहा होगा। आर्य भाषा में तो एल स्थल का मतलब सीधे ये याक उनमें नहीं है, इसका मतलब इनमें प्लेसेंटा है। तो एल स्थल अंडा उन्हीं का होगा जिनको खाना किससे मिलता है? माँ से मिलता है, ठीक है। तो ये एल स्थल जो अंडा होगा इस प्रकार के एग में याक बिल्कुल नगण्य, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, इसको हम क्या कह सकते हैं? ना के बराबर। तो नेग्लिजिबल है, अनुपस्थित है। और इसमें आपके आते हैं दो लोग, मेटाथीरिया और देखो स्तनधारी में भी तीन बड़ी बड़ी कैटेगरी होती है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया क्या देते हैं? अंडा देते हैं, एकिडना, डबल प्लेटिव होता है ना अभी, तो अंडा देते हैं। तो अंडा है, अंडे के अंदर अंडा दे दिया, जैसे चिड़िया अंडा देती है ऐसे अंडा दे दिया, और उस अंडे के अंदर क्या है? याक, और उससे खाना भरा, तो वो अंडे, अंडे के अंदर याक उनको भरना पड़ता है। तो जो एकिडना है स्तनधारी है, लेकिन उनके अंडे में याक होगा। फिर जो मेटाथीरिया डेवलप हुआ कंगारू, तो कंगारू में बच्चा अपनी माँ के अंदर रहता है। हाँ, मार्सुपिया में तो बच्चा रहता है, जो भ्रूण का विकास है वो माँ के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में हुआ, तो वहां पर क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है, याक सैक प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा होता है? तो याक सैक प्लेसेंटा बन गया कंगारू, और कंगारू में माँ और उसके गर्भ में रहने वाले बच्चे के भी। तो जो बच्चा माँ के गर्भ में है, अपनी कंगारू अपनी माँ के गर्भ में है, उसको खाना माँ से मिलता है, उसमें याक नहीं है। तो एक तो ये कंगारू क्या हो गया? मेटाथीरिया। उसके बाद यूथीरिया थोड़ा और बढ़िया है, इसमें और डेवलप है ना, पूर्ण विकसित बच्चा देते हैं। कंगारू कैसा देता था? अर्ध विकसित, पूर्ण सी देते हैं। इसमें भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में किससे जुड़ा हुआ है? वहाँ भी खाना मिल रहा है। तो ये कौन हो गया? यूथीरिया। तो मेटाथीरिया, दोनों ऐसी कैटेगरी हैं जो अंडा नहीं देते हैं, बच्चा देते हैं। कंगारू बच्चा देता है और यूथीरिया भी बच्चा देते हैं, बस कंगारू थोड़ा अर्ध विकसित देता है, यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चा देते हैं। लेकिन दोनों में बच्चे का विकास यूट्रस में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है, और गर्भाशय में यूट्रस में बच्चा जुड़ा रहता है किससे? प्लेसेंटा। तो ये दो एग्जाम्पल जो आपके हो जाएंगे कौन कौन? मेटाथीरिया यानी कंगारू, और यूथीरिया में जितने भी विकसित बच्चा देने वाले आते हैं, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बंदर, हाथी, ये सब किसमें आ जाएंगे? यूथीरिया। तो आप नोट करिएगा, होलोब्लास्टिक में भी दो टाइप हैं, एक है होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक इक्वल, और एक है होलोब्लास्टिक अनइक्वल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, ठीक है। तो होलोब्लास्टिक इक्वल में आप देखेंगे, होलोब्लास्टिक इक्वल में आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल कौन है? एम्फियोक्सस। और जो होलोब्लास्टिक अनइक्वल है ये आप देखेंगे काक्सा लग गया, तो प्री काक्सा, उसके बाद काक्सा, उसके बाद बेसिस। अगर यहाँ कहा जाए सबसे प्रॉक्सिमल कौन है, बॉडी के सबसे पास कौन है, तो बॉडी के सबसे पास प्री काक्सा है। तो यहाँ प्री काक्सा प्रॉक्सिमल हो गया, उससे थोड़ा डिस्टल काक्सा हो गया, उससे डिस्टल बेसिस हो गया, ठीक। ये चीज आपको समझनी है। फिर आप देखेंगे इसके प्री काक्सा में आपको इसकी सरफेस पर एक गड्ढे जैसा दिखाई पड़ेगा, ये दरअसल कॉनकेव सरफेस होती है इस तरह से, ऐसे धसी हुई। यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर एक, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से, एक गोल डिबिया जैसी होती है, एक थैली जैसी होती है जो बैलेंसिंग का काम करती है। तैरते समय या चलते समय जब झींगा मछली का बैलेंस बिगड़ता है, वो टेढ़ी मेढ़ी तिरछा हो जाए, उसका शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए, तो उसके इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए, उसे बैलेंसिंग करने के लिए एक स्टेटोसिस्ट होती है। वो स्टेटोसिस्ट की पोजिशन यही है प्री काक्सा,
तो यही सिप्री काक्सा के अंदर होती है। तो सिप्री काक्सा में आपका क्या है, स्टेटोसिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कोई पूछे कितनी स्टेटोसिस्ट होती होंगी, तो आप बता सकते हैं स्टेटोसिस्ट वन पेयर होंगी, क्योंकि पहले खंड से एक कंटिन्यूल इधर तो एक कंटिन्यूल इधर, दोनों तरफ एक एक कंटिन्यूल निकलेगा ना, तो एक ही सेंटिन्यूल के प्री काक्सा में, एक ही सेंटिन्यूल के प्री काक्सा में, दोनों के प्री काक्सा में एक एक स्टेटोसिस्ट होंगी, तो स्टेटोसिस्ट का नंबर वन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटोसिस्ट है। फिर आप क्या देखेंगे, बिल्कुल अंदर जा रहा किसके अंदर, तो मेडुला में बहुत गहराई तक जाएगा, किसका, जस्टा मेडुला, और उसके बाद फिर ये लूप ऑफ मेले इस तरह से लौटेगा, और ये लूप ऑफ मेले लौटेगा, फिर उसके बाद फिर क्या बनेगी, डीसीटी, फिर नीचे बनेगी सीटी। तो इस तरह से दो नेफ्रॉन आप समझिएगा मेनली होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए, पूरी तरह से मेडुला में नेफ्रॉन का कोई मतलब नहीं, ठीक है, पूरी तरह से मेडुला में नेफ्रॉन नहीं, दो ही नेफ्रॉन आपको देखने हैं मेडुला में, उनका क्या होता है, पार्ट होता है, जो एब्जॉर्प्शन करने के लिए, अवशोषण करने के लिए, वो काम मेनली कॉर्टिकल नेफ्रॉन का है, किसका है, और जो यूरिन को गाढ़ा करने का काम है, मूत्र को गाढ़ा, वो काम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का है। देखो जो मेडुला में जाएगा अंदर तक, अभी आपके लिए स्टार्टिंग है, जस्ट आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो हम देखेंगे मेडुला में ही चलती है, कौन सी मैकेनिज्म, काउंटर करंट, और वो मेडुला में अंदर चलती है, उसी से यूरिन क्या होता है, गाढ़ा, तो यूरिन को गाढ़ा करने का काम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना है, आप मेनली आप जक्स्ट्रा मेडुलरी का ही समझ लीजिए, ठीक है। तो बोर्ड पे जगह नहीं है और लूप ऑफ मेले लंबा जाता, ठीक है, तो आप समझिए लूप ऑफ मेले और लंबा जाता, अब ये जा रहा है लूप ऑफ मेले और गहराई तक जा रहा है, किसके, मेडुला तक, थिन पार्ट, थिक पार्ट, डीसीटी, ये सब आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आता है, सबसे ज्यादा चेंज हार्ट में आता है, जो टैडपोल लार्वा था उसका हार्ट बिल्कुल मछली की तरह था, डबल चैम्बर था, जबकि जब लार्वा से एडल्ट बनेगा तो वो हार्ट में बहुत चेंज आएगा, और टू चैम्बर से वो थ्री चैम्बर हो जाएगा, तो थ्री चैम्बर हार्ट हो जाएगा। किडनी जो पहले लार्वा था उसकी प्रोनेफ्रिक थी, एडल्ट फ्रॉग बनने के बाद मेसोनेफ्रिक हो जाएंगी, और हार्ट जो होता है थ्री चैम्बर ही है, लेकिन अस्पष्ट रूप से थ्री चैम्बर, यहाँ पर होता क्या है, जो हार्ट में वेंट्रिकल है वहां पर उसके दो पार्ट रहते हैं, कैवम पल्मोनेल और कैवम डार्सल, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब जैसे एक कमरा है, कमरे में आप दीवार उठाओ और दीवार उठा करके पूरी छत में लगा दो तो कमरे के दो पार्ट हो जाएंगे, और आप कमरे में दीवार उठाओ और दीवार उठा करके छत से थोड़ा पहले रोक लो तो कमरे में भाग तो दो हो गए लेकिन ऊपर से रास्ता रह जाएगा, समझ रहे हमारी बात। तो दीवार उठी लेकिन दीवार उठा करके आपने कुछ छत में टच नहीं, तो पूरी तरह से कमरे डिवाइड नहीं, तो इस तरह से यहाँ पर है। और क्रोकोडिलिया जो है वहां पर ये जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, चार चैम्बर, मगरमच्छ वगैरह में कैसा हो जाएगा, चार चैम्बर हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन आपको याद रहेगी, पोजीशन जरूर याद रखिएगा, घुमाने के लिए क्वेश्चन यही से ज्यादा बनते हैं। सर्कुलर प्लेट की पोजीशन क्या है, जो यहाँ पर ये छेद है ईसोफेगस का छेद, ऐसे ये छेद, ये ईसोफेगस का छेद, इसमें कार्डियक स्टंग में इसी छेद के सामने की तरफ एंटीरियर वाल में, एंटीरियर वाल में यहाँ लगी है सर्कुलर प्लेट। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो कार्डियक स्टमक, अगर ऐसे बनाया, ऐसे हमने कार्डियक स्टमक बनाया, तो उस कार्डियक स्टमक की जो ये छत है इसकी रूफ में यहाँ पर लगी है लैंसियोलेट प्लेट। ये कौन सी प्लेट लगी है, लैंसियोलेट प्लेट। लैंसियोलेट का मतलब होता है भाले के आकार की, जो भाला होता है, भाला देखा होगा महाराणा प्रताप के पास भाला था, उससे वो चेतक के घोड़े पे बैठते थे, मारते थे दुश्मनों को, तो वो जो भाला होता है उसके आकार की यहाँ मिलेगी लैंसियोलेट प्लेट। तो ये लैंसियोलेट प्लेट हो जाएगी, तो सर्कुलर प्लेट, लैंसियोलेट प्लेट, दो प्लेट आपने समझी। फिर आप जैसे ये कार्डियक स्टमक है ऐसे, तो इस स्टमक की छत में, छत में ऊपर कौन सी प्लेट लगाई, यहाँ लैंसियोलेट, और अब इसकी ये जो फ्लोर है, फ्लोर का मतलब फर्श, यहाँ फर्श में आप एक प्लेट लगाएंगे, इस प्लेट को कहेंगे हैस्टेट प्लेट, इसको बोलेंगे हैस्टेट प्लेट, ये भी याद रखेंगे। तो ये हैस्टेट प्लेट है, एरा बनाए गए आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, इस तरह से चला है, लास्ट में भी कौन सा चल रहा है, सीनोजोइक। तो जो पेलियोजोइक था उसी में सब प्रिमिटिव लाइफ सब वहीं पर बनी थी ज्यादातर, तो पेलियोजोइक में ही, पेलियो का मतलब ही होता है प्राचीन, है ना, तो पेलियोजोइक में ही फिर उसको कई पीरियड में बांट दिया गया था, जैसे कैम्ब्रियन, ठीक है, आर्डोविसियन और सिलूरियन, ठीक है, और उसके बाद
डिवोनियन, ठीक है, फिर कार्बोनिफेरस, परमियन, इस तरह से उसको बांटा गया था। तो वो उसी में जो इनका ओरिजिन था वो आर्डोविशियन, ठीक है, सही है। तो ओरिजिन जो इनकी होगी वो आर्डोविशियन में हो जाएगी। साइकस्पाइनस से पढ़ते हैं कि जैसे वहां उसके ऊपर कोन बन जाता है, तो कोई ब्रांच निकली और उसके शीर्ष पर कोन बन गया, शंकु बन गया, तो उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। इस ग्रोथ का भी नाम आपने सुना होगा सिम्पोडियल, इसे क्या बोलते हैं, सिम्पोडियल। तो यहां पर भी ये ध्यान रखेंगे, दोनों टर्म यहां पर भी यूज कर सकते हैं। इसकी ब्रांच की ग्रोथ सिम्पोडियल है, सिम्पोडियल है, या हम कह सकते हैं साइमोस टाइप की है, ठीक है। तो सिम्पोडियल है या हम कह सकते हैं साइमोस टाइप से, ठीक है, स्कार्पॉइड साइमोज इसको बोल सकते हैं, साइमोज के भी प्रकार। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हो जाएगा। वो जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको डायग्राम से याद रहेंगे, अगर आप इसके दिमाग में इसका चित्र रखेंगे, इमेज आपकी बनी रहेगी, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ क्या क्या था। इसमें मीडियल आई थी, एक जोड़ी एंटीना था, एक जोड़ी एंटीन्यूल एंटीना, मैंडिबल, रूडिमेंट्री एब्डोमेन, सारा सब कुछ आपको डायग्राम से याद रहेगा, ठीक है। आप बनाए ना बनाए, प्रिंट निकाल लें, दिमाग में इसको बार बार देख लें, जितनी बार देख लेंगे आपको याद रहेगा, इसका चित्र याद रहेगा। हालांकि एक बार रफली जब हम बना लेते हैं, हाथ से एक बार रफली ही आप बना ले, गंदा गंदा जल्दी से वो भी दिमाग में बस जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ठीक है। इमेज नहीं जो ही तीन पेयर हैं, एक जोड़ी, फिर ये दो जोड़ी और ये तीन जोड़ी, ये जो इधर उधर एक एक जोड़ी लगे हैं, पहली जोड़ी एंटीन्यूल, दूसरी जोड़ी एंटीना, तीसरी जोड़ी मैंडिबल। तो तीन जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, थ्री पेयर अपेंडिजेस होते हैं, थ्री पेयर अपेंडिजेस होते हैं। अपेंडिजेस में यूनिरेमस एंटीन्यूल, ये जो एंटीन्यूल है ये कैसा है, यूनिरेमस। यूनिरेमस का मतलब आपको बताया था एक साखी, जिसमें एक ही रेमाई, एक ही रेमाई यानी एक ही ब्रांच होती है, उसे क्या कहते हैं, यूनिरेमस। तो ये यूनिरेमस एंटीन्यूल है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये आपको याद होगा। एंटीन्यूल हमारी बात, दो पैरामीटर हम देख रहे हैं, दोनों सेम स्पीसीज के हैं, पर एक में कप्पा पार्टिकल्स हैं, इसमें नहीं है, इसमें कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट और इसमें अब्सेंट। अब क्या होगा, जिसमें कप्पा पार्टिकल्स हैं, ये कप्पा पार्टिकल्स वाले बैक्टीरिया सीडी बैक्टर टीनियो स्पाइरलिस, ये बैक्टीरिया एक पदार्थ बनाएंगे, कौन, पैरामीसिन, और ये पैरामीसिन पदार्थ की वजह से जो दूसरे पैरामीसियम होंगे जिनमें कप्पा कण नहीं होंगे, ये मर सकते हैं, इनकी डेथ हो सकती है। तो ये पैरामीसियम इन वाले पैरामीसियम को मार देगा, जिसमें कप्पा कण है ये बन जाएगा किलर, इसे क्या कहेंगे, किलर। और जो जिसमें कप्पा कण नहीं थे और जिसको इसने मार दिया, किस पदार्थ से, पैरामीसिन से, ये जो पदार्थ से बैक्टीरिया ये पैरामीसियम मर गए, ये पैरामीसियम हो जाएंगे सेंसिटिव, क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव। तो आप समझिएगा दो चीजें हैं, उसके ऊपर क्या बन चुका था, सेल बन चुका था SHE SL, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था। फिर मुर्गी अंडे को रखने के बाद उसका इंक्यूबेशन करेगी, अपनी बॉडी का उसको टेम्परेचर देगी, और इंक्यूबेशन होते होते धीरे धीरे अंडे के अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा, और आपको पता होगा 21 दिन के बाद, अंडे देने के 21 दिन के बाद अंडा फूटता है, हैचिंग होती है, और 21 डेज के बाद अंडे से चूजा बाहर आता है। फूटना, अंडा फूटना क्या कहलाता है, हैचिंग कहलाता है। तो हैचिंग 21 दिन के बाद होगी, और जो मुर्गी अंडा रखती है जिस दिन, उसे ओविपोजिशन कहते हैं, ओविपोजिशन अंडा रखना, अंडे रखने के 21 दिन के बाद हैचिंग हो जाएगी। क्लीवेज पर हम लोग ध्यान देते हैं, क्लीवेज तरह का था, कौन सा, एस्कान टाइप, ठीक है, एस्कान टाइप। और फिर ये जो हमने देखा बॉडी वाल फोल्ड हो गई थी, ये बॉडी वाल फोल्ड होने से हमारा कौन सा बना था, साइकान टाइप, या साइकान टाइप साइक्रांड स्पंज में था। फिर दोनों में कंपेरिजन करिएगा, ये जो एक इसका ऑस्टिया है और एक इसका ऑस्टिया है, दोनों के ऑस्टिया में अंतर क्या है, लिखिएगा आप लोग। ये इस तरह का किसमें था, ल्यूकोसिलिनिया में था, ये वाला ल्यूकोसिलिनिया में था, और ये वाला किसमें था, साइकान में था। हम पूछ रहे हैं इसके ऑस्टिया में और इसके ऑस्टिया में अंतर है कोई, दोनों के ऑस्टिया में अंतर है। इस समय आप टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप जो सांस चल रही नॉर्मल हो चली, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जिस समय ध्यान देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। जब आप नॉर्मल टीवी देख रहे थे, अपने आप आपकी सांस चल रही थी, तो हवा अंदर आ रही थी बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी बाहर जा रही थी, उसमें जो अंदर बाहर आ जा रही थी वो कौन सी वॉल्यूम थी, स्टैडल वॉल्यूम, और ये कितनी थी, 500 ml।
इस 500 ml जो हवा अंदर आपके गई, इसमें से 150 ml हमेशा रास्ते में रहनी है। 150 ml जो है यहाँ रहनी है, किस जोन में? कंडक्टिंग जोन, जो पूरी पाइपों का जाल है। आपके अंदर पूरी पाइपे 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 हैं करोड़ों एल्वेओलाई तक पहुंचने के लिए, हवा पहुंचाने के लिए। तो इस कंडक्टिंग जोन में हवा कितनी फंस गई? 150 ml। फिर उसके बाद जब आखिरी में इस हिस्से पहुंची जहां पर एक्सचेंज हो सकता है, आखिरी में वो पार्ट है जहां पर आदान प्रदान हो सकता है, ऑक्सीजन ली जा सकती है, CO2। ये जो आखिरी का पार्ट है, इतना पार्ट कहां से लेकर के रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये आखिरी के कुछ हिस्से जो है हमारा, इसको हम मानते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ये वो जोन है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यहां पर कोई एक्सचेंज नहीं। तो कंडक्टिंग जोन में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, रेस्पिरेटरी जोन में एक्सचेंज होता है। और इसमें लगभग 350 ml, तो 150 और 350, 150 और 350 कितना हो गया? 500। पूरी 500 ml हवा आपका, ये समझ में आ गया हिसाब किताब कि 150 कहाँ है, 350 कहाँ है, 350 लाइन में वहां पर क्या होना है? एक्सचेंज होना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा अपना, ये जो आज हम लोगों ने देखा, ये थोड़ा मेस्टिगोफोरा थी। मेस्टिगोफोरा में दो फिर हमने अभी देखे थे क्लास, एक फाइटोमेस्टिगोफोरा है, जू मेस्टिगोफोरा। फाइटो वर्ड बताया था हम, रिलेटेड है किससे? प्लांट से। जू मतलब एनिमल से। तो जो प्लांट लाइफ है जिनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है, क्रोमेटोफोर, फोर मतलब धारण करने वाला, क्रोमा मतलब रंग, तो रंग को धारण करने वाले क्रोमेटोफोर से पाए जाते हैं, वो आएंगे फाइटोमेस्टिगोफोरा में। और जिनमें क्रोमेटोफोर नहीं होंगे वो आएंगे जू मेस्टिगोफोरा में। फाइटोमेस्टिगोफोरा में हमारा आर्डर एक हम देख रहे थे कौन सा था, डायनोफ्लेजिडा। डायनोफ्लेजिडा जो है इसमें दो फ्लैजिला है, और हमने कहा था एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा इसमें, एक ट्रांसवर्स होगा और एक बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ होगा। दो फ्लैजिला वाले डायनोफ्लेजिडा है इसमें, नाक्टिल्यूका और सिलेसियम। और ये दोनों इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाक्टिल्यूका और सिलेसियम ये बायोल्यूमिनेसेंस को प्रकट करते हैं, यानी कि अपने शरीर से चमक को पैदा करते हैं, नाक्टिल्यूका और सिलेसियम। फिर युग्लिनिडा, ये हमारा मेन ऑर्डर है, इसमें युग्लिना आ रहा है। युग्लिना में भी आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट पाए जाते थे, हरिद्रव्य पाए जाते थे, पिगमेंट भी था। तो सब कुछ इसमें आपको पता है, स्ट्रक्चर है इसमें, बॉडी में ऊपर ऐसे एक रिजर्वायर।